इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। बेटा, अब तो मैंने ये सब समय पर छोड़ दिया है। अरे समय जो भी कराएगा मैं करता जाऊंगा। खैर ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से हाथ पांव धो लो, मैं तब तक कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आप खाने पीने का रहने दीजिए, मुझे मेरे कुछ दोस्तों से मिलना है, मैं उनसे मिलके आ जाता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आना, मैं तुम्हारी पसंद का कुछ ना कुछ बनाकर जरूर रखूंगा। ठीक है पिताजी। हेलो। नमस्कार कमलाकांत जी। नमस्कार, कौन बोल रहा है? मैं माया बोल रही हूँ, जरा रत्ना से बात करवाइए प्लीज। माया, रत्ना तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? वो रत्ना की सहेली है ना, लता। हाँ जानती हूँ, वो हम दोनों की सहेली है। रत्ना उसकी बेटी की शादी में गई है, 2 दिन बाद आएगी। रत्ना लता की बेटी की शादी में? अगर उसकी बेटी की शादी होती तो वो मुझे जरूर बुलाती। लेकिन रत्ना तो मुझे यही बोल कर गई है। नहीं भाई साहब, आपके सुनने में कोई गलती हुई होगी, लता की बेटी की शादी तो नहीं है। तो फिर वो कहाँ जा सकती है? अब मैं क्या बताऊँ, जब रत्ना वापस आएगी तो मुझसे बात जरूर करवाइएगा। जरूर। नमस्कार। कहाँ गई होगी? मेरे पास होकर भी कभी कभी तुम कहीं और खो जाती हो, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कमलाकांत को अगर शक हो गया कि मैं कहाँ गई हूँ तो डरती हो उसे। उस बेचारे का दिल नहीं तोड़ना चाहती। और मेरा? जिस दिल में मेरा घर बसा हो उसे तोड़ने के लिए कैसे सोच सकती हूँ? तुम्हारे साथ में तो मुझे आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया। और तुमने मुझे जो खुशी दी उसके लिए मैं अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर सकता हूँ। तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। अरे मेरा साथ तो हमेशा तुम्हारे लिए है, जब भी चाहोगी मैं हाजिर हो जाऊंगी। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हमारी इस रात की सुबह कभी भी ना आए। लेकिन रत्ना, जिंदगी में सुबह का उजाला ही बहुत जरूरी होता है। अब हमारी वो उम्र नहीं रही कि अपनी दीवानगी में हम इतने खो जाएं कि दूसरी बातों का एहसास ही ना हो। मेरी तो यही कोशिश है कि जिंदगी से जिन लम्हों को चुरा के लाई हूँ उन्हें इतना जी लूं कि किसी कमी का एहसास ही ना रहे। मेरे हिस्से में तुम्हारे लिए इतना कुछ है रत्ना कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हो। मुझे तो सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उम्र के इस मोड़ पे मुझे तुम मिल जाओगे और मेरी जिंदगी को खुशियों से भर दोगे। लेकिन कल सुबह हम दोनों को ही अपने घर वापस लौटना पड़ेगा। हाँ, कल फिर शुरू हो जाएगी वो जिंदगी जहाँ सब कुछ है और कुछ भी नहीं। ये क्या, मेरे होते हुए भी तुम्हें इसकी जरूरत पड़ती है? अब इसके बारे में सवाल मत करो। इसका साथ ही तुम्हारी जरूरत पूरी करता है। जरूरी है ये तुम्हारी तरह। कल चले जाओगे तुम? क्यों,
इन दो दिनों में मन नहीं भरा। जाना तो होगा ही, कल दिवाली का त्योहार जो है, घर नहीं पहुंची तो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो अपनी दिवाली हम आज ही मना लेते हैं। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये लो मिठाई, चौक वाले हलवाई से लाई हूँ तुम्हारे लिए खास। थैंक यू वेरी मच। अच्छा आप आश्रम छोड़कर चली आई? आश्रम छोड़कर क्या, मैं तो आश्रम साथ लाई हूँ। मतलब? लड़कियों आ जाओ। नमस्ते। आ जाओ अंदर, आ जाओ, आओ। दिवाली मुबारक हो। आप सबको भी दीपावली मुबारक हो। मैंने तुमसे क्या कहा था, इस बार की दिवाली तुम्हारे लिए यादगार बनाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि हम सब यहाँ आकर तुम्हारे साथ दिवाली मनाएंगे। बहुत अच्छा किया मौसी, त्योहार के दिन हम इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे तो बहुत मजा आएगा। तुम्हारे बाबूजी को तुम्हारा आश्रम आना पसंद नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही चलती हूँ तुम्हारे घर, और फिर तुम अकेली थी, कहीं तुम्हारी दिवाली अकेली ना हो जाए। आप सब लोगों को देखकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आप लोग खड़े क्यों हैं? प्लीज आइए बैठिए ना। मैं तुम लोगों से हमेशा कुंती का जिक्र छेड़ती थी ना, यही है कुंती, मेरी सहेली की बेटी। माँ मुझसे हमेशा छुटपन में कहा करती थी कि त्योहार के दिन अगर घर पे मेहमान आए तो उस त्योहार का कोई मतलब ही नहीं होता, और आज मेरे घर पर इतने सारे मेहमान आए और मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों का स्वागत कैसे करूँ। तुम्हें अकेले कुछ नहीं करना, जो भी करना है हम सब मिलकर करेंगे। सबसे पहले लड़कियों इस घर की सजावट शुरू कर दो, फिर मैं बाजार जाकर कुछ खाने पीने की चीजें और पटाखे खरीद के लाती हूँ। पटाखे? पटाखे खरीदने मैं भी चलूंगी मौसी, मुझे ढेर सारे पटाखे खरीदने। क्यों, पूरी रात पटाखे छुड़ाने का इरादा है? हाँ मौसी, पूरी रात। पता नहीं इस साल के बाद इस तरह की दिवाली कभी मेरी जिंदगी में आएगी भी कि नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो? भगवान करे तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाए। मौसी जो भी हो, इस साल की दिवाली हम लोगों के लिए बेमिसाल होगी, है ना? क्यों मौसी? पिताजी आपने फोन करके मालूम किया कि माँ कब तक वापस आएंगी? अरे बेटा अब उसका कोई फोन नंबर मेरे पास हो तब तो मैं फोन करूं। क्यों, आपको ये तो मालूम होगा वो किस सहेली की बेटी की शादी में गई है? कुछ मत पूछ बेटा, मुझे पता नहीं वो कहां गई है और कहां नहीं गई। अरे माँ शुक्र है आप आ गई, वरना मुझे लगा था कि इस दिवाली भी मुझे आपसे मिले बगैर ही जाना। तू कब आया? मैं बस कल ही आया, एक ही दिन हुआ है। आप कहां चली गई थी? पिताजी ने नहीं बताया था। रत्ना जो तुम मुझे बताकर गई थी ना वो मैंने इसे बता दिया था। कैसी बातें कर रहे हैं? ये तुम अपने आप से पूछो रत्ना, अपने आप से। क्या हो गया इनको? मैं क्या जानू मां, जब से आया उनको इसी मूड में देख रहा हूं, हैरान हूं। इन्हें कुछ ज्यादा ही टेंशन लेने की आदत हो गई। मैं बहुत ख्याल रखती हूँ ना इनका, इसीलिए
अपने साथ साथ मेरा भी मूड खराब कर। अच्छा माँ ये बताइए कि आप किसकी शादी में गई थी? एक सहेली की बेटी की शादी में गई थी। अब कौन सी सहेली? मैं तो आपकी ज्यादातर सहेलियों को जानता हूँ। नई सहेली है, तुम नहीं जानते हो उसको। अच्छा अच्छा, कैसी रही शादी? बहुत अच्छी। अच्छा तुम ये सब छोड़ो ना, ये लो रुपए, आज दिवाली है, पटाखे लेकर के आओ। पटाखे? माँ तुम अच्छी तरह जानती हो पटाखों से जलने के बाद मैं पटाखों से कितना डरता हूँ। अरे ये क्या बात हुई, इतने बड़े हो गए और अभी तक डरते हो, सारी उम्र डरोगे क्या? जाओ पटाखे लेकर के आना और मैं भी तुम्हारे साथ पटाखे लगाऊंगी, मेरे लिए फुलझड़ी लेकर के। और बम? बम तो तुम्हारे पिताजी फोड़े। माँ ये पिताजी को क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नहीं कोई तो बात है माँ। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, इन्होंने मुझे 50,000 रुपए कहाँ से दिए? आखिर इतने रुपयों का इंतजाम इन्होंने कहाँ से किया? वहां तुम चुप क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं पिताजी कोई गलत काम कर रहे हैं? गलत गलत क्यों करेंगे भला? नहीं मामा इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मजबूरी में इंसान कभी कभी कोई गलत काम कर बैठते हैं। नहीं मन ऐसी कोई बात नहीं है, हर इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा कमाता है, तुम्हारे पिताजी भी वही कर रहे हैं बस। तुझे इतना खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज की खुशी भी हुई तो पाती है, काश कि आज मैं भी मेरे पास होती। नहीं कुंती, त्योहार के दिन ऐसा उदास नहीं होते हैं। तुम्हें इतना खुश देखकर तुम्हारी माँ की आत्मा को कितनी शांति मिल रही होगी। नहीं नहीं